हेलो गाइज, वेलकम टू डूअर क्लासेस। डूअर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश, आज आपके लिए फिर से एडिटोरियल लेकर के आया हूँ, द हिंदू एडिटोरियल। आज का डे है सैटरडे, मई 26, 2018। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो जो टॉपिक है आज का, वो है मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मतलब एक अवसर जो अवसर में चूक, मीन्स कहने का ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर में चूक, मौका जो है वो निकल गया है, चूक चुके हैं, ठीक है, वो चीज़ है। तो इसका आप देखिए डिस्क्रिप्शन हेडिंग क्या है, अ सीरीज ऑफ अवॉइडेबल मिस स्टेप्स, मतलब अ सीरीज ऑफ अवॉइडेबल मतलब जिसे अवॉइड किया जा सके, जिनसे बचा सके। तो ऐसी कई सारी घटनाएं जो कि मतलब जिनसे बचा जा सकता है, ऐसे मिस स्टेप्स, ऐसे गलत कदम, मतलब ऐसे गलत कदम जिनसे बचा जा सकता था, जिन्हें रोका जा सकता था, लेड टू, वो ले जाएंगे द अनरैवलिंग ऑफ ट्रंप किम समिट, मतलब डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन जो हैं, उनके मुलाकात को अनरेवल मतलब सेपरेट कर देंगे, दूर कर देंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे कदम, गलत कदम जो कि जिन्हें रोका जा सकता था, उनकी वजह से अब ट्रंप और जो किम हैं, इनके बीच की जो मीटिंग है वो सेपरेट हो जाएगी। मतलब ये अब उनकी मीटिंग जो है, इनमें मतभेद आ जाएगा एक तरह से कहने का, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप का है टॉपिक। और इसमें मैं आपको बता दूं, मैंने एक पहला एडिटोरियल पढ़ाया था जिसमें आपने पढ़ा था कि 12 जून को इनके बीच में मीटिंग होने वाली थी सिंगापुर में, आपको याद आ रहा होगा अगर आपने पहले एडिटोरियल पढ़ा है। और उसमें कई मतलब बहुत अच्छी बात थी कि इन दोनों के बीच में जैसे तकरार चल रहा था, तो दोनों देश के बारे में के बीच अगर मीटिंग होती है तो ये उम्मीद किया थी कि डीन्यूक्लियराइजेशन जैसे न्यूक्लियर को ख़त्म करना है ना, और इस सब कई सारी पहल नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी की जा रही थी, है ना, और थोड़ा सा सहानुभूति का अमेरिका भी दिखा रहा था। तो वही टॉपिक को आज हम फिर से थोड़ा सा बढ़ करके आगे डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ नया मोड़ आया है ना। सिविल सर्विसेज में यही होता है कि आप कंटिन्यूली एडिटोरियल पढ़ते रहते हो, तो वहाँ पर आपको देश विदेश की खबरें मिलती रहती हैं। तो वो काम भले ही आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपको बेसिक नॉलेज आपकी कंट्री या आउट ऑफ कंट्री का इतना इंटरनेशनल लेवल में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ना होगा तो कम से कम मंत्रियों के नाम तो याद रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स एब्रप्ट डिसीजन, एब्रप्ट एसएससी में आया हुआ है, एब्रप्ट मतलब होता है अचानक, सडनली, ठीक है, इसे ध्यान दीजिए आप। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उनका अचानक से निर्णय किस चीज़ का, टू कॉल ऑफ हिज प्लांड, उनकी योजना जो प्लांड योजनागत प्लांड जून 12 मीटिंग, जो 12 जून की योजनागत पहले से योजना बनाई हुई मीटिंग थी, उसको कॉल ऑफ मतलब समाप्त करने का, उसको पोस्टपोन करने का, डिले करने का जो डिसीजन है विथ नॉर्थ कोरिया। और ये मीटिंग थी किसके साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के साथ, कहाँ थी, इन सिंगापुर में थी। हैज़ नॉट ओनली डैश्ड, उसने ना सिर्फ डैश मतलब कहने का डैश्ड होप मतलब आशाओं को चकनाचूर कर दिया है, और आशाएं कैसी, ऑफ ए ब्रेक थ्रू, एक सफलता की, बट आल्सो बल्कि और क्या किया है, हाई एंड रिस्क, खतरों को बढ़ा दिया है, ऑफ ए कन्फ्रंटेशन मतलब आमने सामने का खतरा, ऑन द कोरियन पेनिनसुला मतलब कोरिया के उस पठारी भाग, उस क्षेत्र में, ठीक है। तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मीनिंग्स आप मैंने बताया, अब इसका कंप्लीट मीनिंग समझिए जिससे कि आपके दिमाग में पूरा सेंस प्रिपेयर हो। ये तो वर्ड बाई वर्ड मीनिंग था। देखिए, अमेरिका के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी का जो अचानक से निर्णय आया है, निर्णय किस चीज़ का था, निर्णय था कि जो 12 जून को उनकी और कोरिया के लीडर की सिंगापुर में मीटिंग होने वाली थी, इसको कैंसिल करने का निर्णय, कॉल ऑफ मतलब डिले करना, पोस्टपोन करना, कैंसिल करना, ठीक है, कैंसिल करने का जो निर्णय आया है, हैज़ नॉट ओनली, उसने ना सिर्फ चकनाचूर किया है सफलताओं को, कैसी सफलताओं को, मतलब ब्रेक थ्रू जो अभी मतलब कहने का इनके बीच की जो बातचीत हुई है, ऐसी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही थी कि दोनों देशों के बीच में कम से कम मिलन के लिए बातचीत हुई, तो इस सफलता को ना, इनकी जो आशाएं हैं उनको ना चकनाचूर किया, बट आल्सो बल्कि खतरे भी बढ़ा दिए हैं आमने सामने की, ऑन द कोरियन पेनिनसुला, अब संभावना ऐसी बन रही है कि कोरियन पेनिनसुला में हो सकता है अमेरिका और नॉर्थ कोरिया का आमना सामना हो जाए, तो इसके जो रिस्क हैं, इसके जो खतरे हैं उनको भी बढ़ा दिया। तो आपने अब यहाँ तक का मीनिंग देख लिया, अब इसके ग्रामर पॉइंट्स आप देखिए। आपको मैंने बताया एब्रप्ट एसएससी में आया है, इसको आपको ध्यान देना है, एब्रप्ट मतलब होता है सडनली, अचानक, कॉल ऑफ मतलब ये आपका रिप्लेस करने के लिए आता है, ये आपका है फ्रेजल वर्ब में आया है, कॉल ऑफ मतलब पोस्टपोन या डिले करना, ठीक है। प्लान्ड जून 12 मीटिंग मतलब 12 जून की नियोजित मीटिंग
विद किसके साथ, नॉर्थ कोरियन लीडर के साथ, ठीक है। अब आप ये बताइए कि हैज किसके लिए आया, सबसे बड़ी यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बनेगा ये हैज किसके लिए आया, हैज आया है आपका पहले नाउन कौन है, अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स एब्रप्ट डिसीजन, ये अपोस्ट्रॉफी से डिटरमाइनल हुआ, एब्रप्ट एडजेक्टिव हुआ, डिसीजन मतलब पहला नाउन, उसके बाद ये प्रीपोजिशन टू, पहला नाउन क्या हुआ डिसीजन, तो डिसीजन के हिसाब से हैज आया है, ठीक है। तो एब्रप्ट मतलब ऐसा डिसीजन हैज नॉट, उस डिसीजन ने ना सिर्फ उम्मीद को चकनाचूर किया है, तो किसने चकनाचूर किया उम्मीदों को या आशाओं को, डिसीजन ने, और डिसीजन कैसा था, अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अचानक से लिया गया निर्णय, ठीक है। तो निर्णय जो आपका डिसीजन है ये आपका सब्जेक्ट बनेगा यहाँ हैज के लिए, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब ये टू के पहले वाला नाउन ये आपकी हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड करेगा, ठीक है। अब आपको कन्फ्यूजन तो नहीं रहा, अब हम आगे पढ़ते हैं। इट मतलब कहने का कि कोरिया, ये आशाओं को सब चकनाचूर कर दिया, पूरा आप मीनिंग लेकर के आगे चलेंगे तभी समझ पाएंगे। और ना ही सिर्फ उम्मीदों को चकनाचूर किया है बल्कि एक रिस्क खड़ा कर दिया है, आमना सामना हो सकता है कोरियन पेनिनसुला में, ये मीनिंग आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। इट ब्रिंग्स अ वेरी अनयूजुअल स्पेल ऑफ डिप्लोमेसी फुल सर्कल, डिप्लोमेसी फुल सर्कल मतलब कूटनीति से भरा हुआ पूरा परिवेश, ठीक है। तो इट ब्रिंग्स, ये जो डिसीजन आया है डिसीजन के लिए आया है, इट ब्रिंग्स अ वेरी अनयूजुअल स्पेल, स्पेल मतलब होता है टाइम पीरियड, है ना। तो ये एक ऐसा असाधारण क्षण लेके आया है, क्षण किस चीज़ का, ऑफ डिप्लोमेसी फुल सर्कल मतलब कूटनीतिक से घिरे हुए परिवेश का एक असाधारण क्षण लेके आया, मतलब बहुत ही अजीब सी स्थिति हो गई है ये, ठीक है। अनलाइक द, अब देखिए यहाँ से आपको पढ़ना है, अनलाइक के विपरीत द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, जो मानक प्रथा चल रही है, जो मानक प्रक्रिया चलती है, जो आम तौर पे प्रक्रिया होती है उसके विपरीत, और प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, ऑफ अनाउंसिंग लैंडमार्क समिट, कि किसी भी विशेष ऐतिहासिक मिलन की या मीटिंग की घोषणा जब की जाती है आप, तो कब की जाती है, आफ्टर वर्किंग आउट, जब उस पर कार्य कर लिया गया हो, एंड अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी समझ के साथ, ऑन द एजेंडा किसी विशेष लक्ष्य पर, थ्रू किसके माध्यम से, क्वाइट डिप्लोमेसी मतलब शांतिपूर्ण कूटनीति, एक विशेष कूटनीति के साथ, मतलब कि अब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा मतलब समझेंगे कि एक शांत कूटनीति के साथ किसी पर्टिकुलर एजेंडा पर विशेष समझ के साथ जब वर्कआउट कर लिया जाता है, तब मतलब उस पर काम कर लिया जाता है, उसके बाद ऐसे लैंडमार्क समिट है, लैंडमार्क मीटिंग्स है, इनकी घोषणा की जाती है ना, मतलब और ऐसी प्रथाएं हैं, लेकिन अनलाइक लगाए मतलब, लेकिन इनके विपरीत क्या हुआ है, इनके विपरीत जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया मिस्टर किम का इनविटेशन इन मार्च, मतलब मार्च में, एंड लेट इट बी नोन, और इसे तुरंत लेट इट बी नोन सबको बता दिया, सबको इससे फेमस परिचित करा दिया, टू द पब्लिक इमीडिएटली, तत्काल रूप से पब्लिक से, मतलब क्या होता है कि जब इस प्रकार की, मैं पूरा मीनिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि जब इस प्रकार के ऐतिहासिक निर्णय होते हैं, मतलब डिसीजन लिए जाते हैं कि फलानी कंट्री जो कि अपोजिट है, एक दूसरे के अपोनेंट है, उनके बीच में मीटिंग हो रही है, तो पहले एक एजेंडा बनाया जाता है, उस एजेंडे के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग बैठाई जाती है, उस पर वर्कआउट किया जाता है, उसके बाद ऐसे निर्णयों की घोषणा की जाती है। लेकिन इसके विपरीत जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, डोनाल्ड ट्रंप जी ने किया क्या कि तुरंत मीटिंग किम जी का जो इन्विटेशन है उसे एक्सेप्ट कर लिया मार्च में, और उसके बाद उसे पब्लिकली फेमस कर दिया, और अब क्या कर रहे हैं, अब उसे तोड़ रहे हैं, मतलब अपना जो इन्विटेशन है उसे कैंसिल कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो इस पर सोच समझ के करना चाहिए था ना उन्हें पहले ही, जब ऐसे कोई डिसीजन, ऐसे डिसीजन बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं, तो यही इनका कहना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है। अब हम आगे पढ़ते हैं। That was surprising, ये चौंकाने वाली बात थी, given, यदि देखा जाए तो, the acrimony, मतलब तीखापन या असामंजस्य इन बोथ मिस्टर ट्रंप और मिस्टर किम में, कि पब्लिक अटरेंस मतलब होता है स्टेटमेंट, मतलब कहने का इट वॉज सरप्राइजिंग, ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक है कि यदि देखा जाए तीखापन, एक्रीमोनी मतलब तीखापन या फिर कड़वाहट, आप तरह से कह सकते हैं, या असामंजस्य, जो सामंजस्य का ना होना, ये एसएससी में आया हुआ है, ठीक है, एक्रीमोनी आपको ध्यान देना है। तो अगर देखा जाए मिस्टर ट्रंप और मिस्टर किम की जो पब्लिक स्टेटमेंट है, पब्लिक अटरेंस है, उनको देखा जाए ओवर द पास्ट ईयर, पिछले कुछ सालों की, तो इट दैट वॉज सरप्राइजिंग, ये बहुत ही आश्चर्यजनक था कि ऐसी मीटिंग हो रही थी, ठीक है। वंस, एक बार मिस्टर ट्रंप हैड क्लियर्ड, मिस्टर ट्रंप क्या करते हैं, हैड क्लियर्ड द समिट प्रपोजल, उन्होंने जो समिट प्रपोजल है मतलब मीटिंग का जो प्रस्ताव आया था उसको क्लियर कर दिया, नॉर्थ कोरिया आल्सो मूड, तो क्या जब मिस्टर ट्रंप ने मीटिंग का जो प्रस्ताव था उसको क्लियर किया तो नॉर्थ कोरिया आल्सो मूड फास्ट, तो नॉर्थ कोरिया वो भी आगे बढ़ा, ठीक है, मेकिंग अ सीरीज ऑफ गेस्चर, और उसने भी कई प्रकार
के गेस्टर्स दिए मतलब प्रदर्शन किए, हाव भाव दिखाए, मीन टू जिनका उद्देश्य था स्मूथ मतलब सरल कर देना, द पाथ मतलब रास्ता फॉर द मीटिंग मतलब मीटिंग के लिए, मीन्स कहने का जब मिस्टर ट्रंप ने समिट के जो मीटिंग का प्रपोजल था, प्रस्ताव था, समिट माने मीटिंग होता है, मीटिंग के प्रपोजल को जब क्लियर किया, उसको मंजूरी दी, तो नॉर्थ कोरिया और तेज बढ़ा और उसने भी कई प्रकार के हाव भाव दिखाए और उसका उद्देश्य क्या था, ताकि दोनों के जो रास्ता, हमारा जो रास्ता है मीटिंग का, पाथ फॉर द मीटिंग, वो क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए, आसान हो जाए। आपने वन से लेकर के मीटिंग तक का मीनिंग तो समझ लिया, अब आपको समझना है क्या है, समिट की आप स्पेलिंग याद रखेंगे, एस यू एम आई टी नहीं होता है, डबल एम आई टी होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। और अब देखिए सीरीज ऑफ गेस्टर्स, तो अ सीरीज ऑफ, अ वन ऑफ, अ नंबर ऑफ, या द नंबर ऑफ, मैंने बताया था जब इस तरह के कंस्ट्रक्शन आते हैं तो उसमें जो सेकंड नाउन होता है या तो वो अनकाउंटेबल होगा, है ना, अनकाउंटेबल होगा तो उसके केस द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ नहीं आता, लेकिन इसे अ सीरीज ऑफ है तो ये सीरीज बाद अकाउंटेबल होगा, तो मतलब अगला नाउन जो होगा ऑफ के बाद वाला वो प्लुरल होता है, तो गेस्टर नहीं होगा, गेस्टर्स होगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। पाथ का प्रीपोजिशन फॉर, पाथ फॉर समथिंग, किस चीज़ के लिए रास्ता, तो पाथ फॉर होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, नॉर्थ कोरिया आल्सो मूव फास्ट, है ना, तो यहाँ पर ये आपका क्या है, एडजेक्टिव, सॉरी वर्ब है, वर्ब का नॉर्थ कोरिया मूव, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट डेफिनिट है, तो पास्ट डेफिनिट के ये आपका वर्ब हो गया, वर्ब के बाद क्या होता है, एडवर्ब आना चाहिए ना, तो मूव फास्टली होना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फास्ट का जो है एडवर्ब के रूप में हमेशा फास्ट में ही यूज होता है, फास्टली नहीं यूज होता, फास्टली रॉन्ग है, ठीक है, जैसे कि लार्जली हो जाता है, है ना, तो इसी तरह फास्टली नहीं होता, तो जैसे कि आप कहें कि ही रन फास्टली तो गलत हो जाएगा, ही रन फास्ट होता है, इसी तरह नॉर्थ कोरिया मूव फास्ट, नॉर्थ कोरिया भी तेजी से आगे बढ़ा, तो फास्टली नहीं होगा, फास्ट होगा, ये ग्रामेटिकल पॉइंट फास्ट के साथ होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने सिखाई यहाँ पर, अब आगे पढ़ते हैं। इन एंड अप्रैल मतलब अप्रैल के अंत में देयर वाज अ समिट, एक मीटिंग थी बिटवीन मिस्टर किम एंड साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जे इन एट ए बॉर्डर विलेज, मतलब कहने का एक मीटिंग थी बिटवीन किनके बीच में, मिस्टर किम और साउथ कोरियन जो प्रेसिडेंट है मून जे इन, इन दोनों के बीच में मीटिंग थी अप्रैल के अंत में, एट अ बॉर्डर, कहाँ पर थी, एक एट ए बॉर्डर विलेज, बॉर्डर के एक विलेज में, इन द डीमिलिटराइज्ड जोन, और ऐसा वो कहाँ पर था, क्षेत्र कौन सा था, वो ऐसा जोन था डीमिलिटराइज था, मतलब सेना से वहाँ से दूर कर दी गई थी, डीमिलिटराइज्ड जोन था, ठीक है। तो वहाँ पर एक बॉर्डर विलेज के पास जो प्रेसिडेंट, अब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है ये भी आपको जान लेना चाहिए, मून जे इन है, ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, बन सकता है, अगर आ गया तो आप लिख देंगे, एसएससी जानते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, पता लगा कि कहीं की अंपाला हो गया या आपको पता लगा न्यूजीलैंड के प्रेसिडेंट पूछ लिया, इस तरह के क्वेश्चन दे देता है, तो आपको कम से कम साउथ कोरिया के तो पता लग गए, और किम जोंग उन कहां के लीडर हैं, नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, ठीक है, तो इतना भी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट कर देगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं, द नॉर्थ मतलब नॉर्थ मतलब नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने प्लेज्ड प्रॉमिस किया टू हाल्ट मतलब रोकने का न्यूक्लियर एंड मिसाइल टेस्ट, न्यूक्लियर और मिसाइल टेस्ट को, और जब इनके बीच मीटिंग हुई तो जो नॉर्थ कोरिया था, नॉर्थ कोरिया ने ये वादा किया था, ये प्रॉमिस किया था कि वो हाल्ट रोक देगा न्यूक्लियर एंड मिसाइल टेस्ट। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फोर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, दोनों हो सकता है, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, नॉर्थ कोरिया प्लेज्ड फॉर हाल्टिंग न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट, ऐसे हो सकता है, या प्लेज्ड टू, लेकिन प्लेज के साथ प्रीपोजिशन टू आता है तो इन्फिनेटिव आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको फॉर प्लस आईएनजी फॉर्म नहीं लिखना है, क्योंकि प्लेज का प्रीपोजिशन प्रॉमिस टू समबडी, प्रॉमिस टू समथिंग इस तरह करके आता है, तो इसमें प्रीपोजिशन टू यहाँ पर एक तरह से फिक्स है, तो यहाँ पर यह चीज़ ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पर आपको फॉर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म से अवॉइड करना है, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, द नॉर्थ, यहाँ पे आप फिर से मीनिंग देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया ने वादा किया न्यूक्लियर और मिसाइल टेस्ट को रोकने का, एंड रिलीज्ड और जारी कर दिए थ्री कोरियन अमेरिकन्स, और तीन मतलब कोरियन अमेरिकन को भी क्या कर दिया, रिलीज, मुक्त कर दिया, ठीक है, कोरियन अमेरिकन फिर अमेरिकन थे और कोरिया में बंद थे, उनको रिलीज कर दिया, मतलब ये आपने ये चीज़ जो है आपने जो तीन लोगों को रिलीज करने की बात आपने पहले एडिटोरियल में भी पढ़ी थी, जो मैंने पहले पढ़ाया था कुछ दिनों पहले, ठीक है। तो अब ये कि यहाँ पर ग्रामर पॉइंट्स क्या है, नॉर्थ कोरियन प्लेस्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड और रिलीज्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगर यहाँ वर्ब का आईएनजी फॉर्म डाल देगा तो गलत हो जाता है, ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको मैच कराना है, सेम जीरेंड सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच जुड़ते हैं एंड से और से, ठीक है, तो यहाँ एंड है तो और सेम पार्ट्स ऑफ वर्ब की सेकंड फॉर्म जुड़ी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही जुड़ेगी, ठीक है। एंड और क्या किया, आवर्स बिफोर मिस्टर ट्रंप कैंसल्ड द समिट, और कुछ घंटे पहले जब मिस्टर ट्रंप ने समिट को कैंसिल किया था ऑन थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार को, ठीक है, मतलब कहने का बृहस्पतिवार को मिस्टर ट्रंप के कुछ घंटे पहले ही मतलब मीटिंग को कैंसिल करने के कुछ घंटे पहले ही इट मतलब नॉर्थ कोरिया ने डिसमेंटल्ड इट्स पुंगी री न्यूक्लियर टेस्ट साइट
अपनी पुंगी न्यूक्लियर साइट को भी उसने डिसमेंटल कर दिया था, तबाह कर दिया था, मतलब वहां पे न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, ये ऐसा डिसीजन किसने, नॉर्थ कोरिया ने ले लिया था। अब साइट मतलब स्थान, SIT, ऐसा ही मैंने बताया था आपको, CITE भी एक होता है, उसका मतलब मेंशन करना, उल्लेख करना होता है। SSC में क्वेश्चन बना हुआ है कि जैसे माई ब्रदर वॉज लुकिंग फॉर ए साइट टू बिल्ड अ न्यू हाउस, मेरा भाई नई घर बनाने के लिए एक जगह खोज रहा है, तो CITE नहीं होता है, SITE होता है, क्योंकि SIT का मतलब स्थान होता है, CITE का मतलब मेंशन करना, उल्लेख करना, किसी चीज का चर्चा करना होता है, तो SITE और CITE में कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो आप SITE का मतलब स्थान होता है, प्लेस होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब मतलब कहने का कि थर्सडे को मीटिंग के कैंसिल होने के बाद इन्होंने पुंगरी न्यूक्लियर टेस्ट में कुछ थोड़ी सी समय पहले ही जो नॉर्थ कोरिया था उसने पुंगरी न्यूक्लियर टेस्ट की जो साइट थी, जगह थी, उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन क्रिटिक्स, आलोचकों का क्या कहना है कि इट वाज ऑलरेडी इनऑपरेबल, कि वहां पर तो काम किया नहीं जा सकता था। मतलब आलोचक जो अमेरिका के साइड वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि उसने इसलिए वहां पर उस साइट को दिखाने के लिए मतलब नष्ट किया क्योंकि वहां पर वो ऑपरेशनल के लायक थी ही नहीं, मतलब वहां पर कोई काम किया नहीं जा सकता था इसलिए। तो मतलब क्रिटिक्स का आप जानते हैं अपोजिट ही बोलते हैं, कोई अच्छा काम भी करे तो उसके लिए विरोधी बता देंगे उसके लिए, ठीक है। बट लेकिन दैट वॉज ए सिम्बॉलिक गेस्चर, लेकिन वो तो ठीक है, दैट वॉज ए सिम्बॉलिक गेस्चर, ये एक प्रतीकात्मक हाव भाव था, नॉन द लेस डिस्पाइट, लेकिन मान लो कि वो इन ऑपरेशन था, लेकिन एक प्रतीक तो दे दिया उसने कि अपनी मतलब समिट होने की बात केवल सुन करके उसने अपनी टेस्ट साइट को खत्म कर दिया है ना। तो ये भी अपने में केवल भले ही वो काम के लायक नहीं थी इसीलिए खत्म किया, लेकिन वास्तव में एक लॉजिकल तो है कि इतना काम उसने कर तो दिया है ना, नहीं तो वो ना खत्म करता उस समय है ना। तो ये सारी चीजें काफी मायने रखती है। अब हम आगे पढ़ेंगे और देखते हैं कि आगे और क्या है। नेक्स्ट पैरा जो है, द यूनाइटेड स्टेट शुड हैव टेकन इनटू अकाउंट दीज स्टेप्स, ये सारे कदम जो नॉर्थ कोरिया ने उठाए, बताइए मिलने के लिए उसने इतनी सारी चीज़ें, डिसआर्मामेंट किया और पता नहीं डिन्यूक्लियराइजेशन किया है ना, ये सारी चीज़ें की काफ़ी हद तक है ना, और डिमिलिटराइज किया काफ़ी क्षेत्रों को, तो यूनाइटेड स्टेट को जो अमेरिका है शुड हैव टेकन इनटू अकाउंट दीज स्टेप, इन कदम, ये जो कदम है नॉर्थ कोरिया के बाय द नॉर्थ कोरिया के द्वारा, नॉर्थ कोरिया के द्वारा लिए गए ये कदमों को टेकन इनटू अकाउंट कम से कम संज्ञान में लेना चाहिए था। टेक इनटू कॉग्नाइजेंस होता है ना, टेक इन कॉग्नाइजेंस विथ, और टेक इन इनटू अकाउंट मतलब संज्ञान में लेना, ध्यान में लेना। तो यूनाइटेड स्टेट को कम से कम नॉर्थ कोरिया के द्वारा उठाए गए इन कदमों को ध्यान में लेना चाहिए था, रेदर देन इसके स्थान पर कि हार्प ऑन रिटोरिक, कि वो बड़ी बड़ी भाषणबाजी करे है ना, हार्प ऑन रिटोरिक मतलब वो अपनी भाषणबाजी में लगा रहे, बकैती में लगा रहे, इससे अच्छा है कि जो वो क्या करे, नॉर्थ कोरिया के द्वारा जो लिए गए इस तरह के कदम थे उसको अमेरिका को शुड हैव लेना चाहिए था इनटू अकाउंट, टेकन इनटू अकाउंट मतलब संज्ञान में, अपने ध्यान में लेना चाहिए था, कम से कम एक बार उस पर सोचना तो चाहिए था, ये कहने का मतलब है, ऑथर जी का कहना है। इट कुड ऑल्सो हैव मेड सम गुडविल, इसने भी कुछ और गुडविल मतलब सद्भावनाएं की हैं, सद्भावनापूर्ण गेस्चर किए हैं, हाव भाव दिखाए हैं, अपना अपनी कुछ सद्भावनापूर्ण छवि दिखाई है, टू लाइटन द एयर, लाइटन द एयर मतलब माहौल को हल्का करने की, ठीक है, हवा को हल्का करने की नहीं, माहौल को कम करने की, मतलब कहने का माहौल को सुचारू रूप से बनाने की इसने भी कुछ प्रयास किए थे, सच एज जैसे कि इसने, अब इट किसके लिए है, अमेरिका के लिए है ना, इट आल्सो हैव मेड सम गुडविल, कुछ अच्छे काम किए थे हल्का करने के, जैसे सच एज कैंसलिंग ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद साउथ कोरिया, इसने साउथ कोरिया के साथ जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी वो भी खत्म कर दी थी। बट इट वेंट अहेड, लेकिन ये एक कदम और आगे गया, द मिलिट्री ड्रिल, मिलिट्री ड्रिल में कैसे, मिलिट्री ड्रिल का मतलब होता है मिलिट्री का, मिलिट्री के मामले में, ठीक है, विथ प्योंगयांग, जिसमें प्योंगयांग था, स्लैमिंग बोथ वाशिंगटन एंड सियोल, जो कि प्योंगयांग जो राजधानी है ना नॉर्थ कोरिया की, तो प्योंगयांग जो थोड़ा और चेक कर लीजिएगा आप, तो प्योंगयांग स्लैमिंग आलोचना कर रहा था, फटकार रहा था वाशिंगटन को और सियोल को, इवन एज यद्यपि प्रिपरेशन फॉर द समिट वेयर अंडर वे, मतलब कहने का जो प्रिपरेशन थी, जो चल रही थी, तैयारी चल रही थी मीटिंग की, वो अंडर वे, वो जारी थी, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि अंडर वे लिखा है, ये अंडर वे वर्ब है खुद ही, और इसका मतलब ही होता है कि जारी है ना, तो मीटिंग की तैयारी जारी है, लेकिन क्वेश्चन SSC क्या डालता है, SSC डालता है समिट और प्योंगयांग ने क्या किया, वाशिंगटन और सियोल को, भले ही मीटिंग इनकी फिक्स थी लेकिन दोनों को ही क्या किया था, थोड़ा सा कटु शब्द कहे ये चीज, बिसाइड्स, इसके अलावा बिसाइड्स का यहाँ पे आपको बता दूं कि बिसाइड्स में अगर एस लगा होता है
तो उसका मतलब होता है अलावा, और बिसाइड अगर होता है एस नहीं लगा होता उसका मतलब होता है के बगल में, ठीक है, किस चीज़ के बगल में, तो बिसाइड समथिंग, और बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, है ना। तो इसके अलावा मिस्टर ट्रंप ने का जो के जो मिस्टर ट्रंप न्यू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, मतलब जो नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन हैं, एंगर्ड द नॉर्थ कोरियन, उन्होंने नॉर्थ कोरियंस को नाराज कर दिया। बाय कैसे, बाय सजेस्टिंग, ये सुझाव देते हुए दैट कि मिस्टर किम कुड फॉलो द 2003 लीबियन डिसआर्ममेंट मॉडल, कि मिस्टर किम जो हैं वो कुड फॉलो, वो फॉलो कर सकते हैं, मान सकते हैं, अनुपालन कर सकते हैं 2003 का जो लीबिया का डिसआर्ममेंट मॉडल था, लीबिया ने अपने जो औजार नष्ट किए थे उसी तरह के आप मतलब कि प्रोसेस को, उसी प्रकार के मॉडल को किम जोंग उन भी क्या फॉलो कर सकते हैं, इस तरह कह करके नाराज कर दिया। बल्कि उन्होंने डिसआर्ममेंट किम जोंग उन जो अपने न्यूक्लियर को ख़त्म कर रहे थे या फिर अपने टेस्टिंग जोन्स को नष्ट कर रहे थे, उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि अमेरिका से उनके संबंध अच्छे हों और वो कम से कम राष्ट्र के, दुनिया के हित में कुछ काम कर सके, है ना, ना कि आपसी मतभेद में लड़े रहें। और अमेरिका वाले क्या कह रहे हैं, ऐसा सजेशन दे रहे हैं कि आप उसकी लीबिया की फॉलो कर लीजिए और मीटिंग नहीं कर रहे, है ना, तो ये भी गलत है कहीं ना कहीं। तो आप देखिए आगे पढ़ते हैं, दिस वॉज फॉलोड बाय, और इसमें इसके साथ साथ और क्या हुआ, दिस वॉज फॉलोड बाय, इसका समर्थन किया गया बाय वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंसीज, और जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है कौन, माइक पेंसीज, थ्रेट माइक पेंसी की जो धमकी है या चेतावनी है उसके द्वारा इसका समर्थन किया गया। समर्थन और चेतावनी कैसी थी, दैट मिस्टर किम कुड मीट द सेम फेट, मिस्टर किम का भी वही हश्र होगा एज मुअम्मर कद्दाफी, जो मुअम्मर कद्दाफी का हुआ था, हु वाज किल्ड, जो कि मारा गया था बाय द रेबल्स, विद्रोहियों के द्वारा, आफ्टर ए नाटो लेड इन्वेशन, नाटो के द्वारा, नाटो एक प्रक्रिया है जो आतंकवाद को हटाने में काम करती है ना, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी है, तो नाटो लेड, नाटो के द्वारा संचालित जो आक्रमण हुआ था इन 2011 में, उसमें जो रेबल्स के द्वारा जो मारा गया था मुअम्मर कद्दाफी, वही हश्र मिस्टर किम का होगा। तो ऐसी चेतावनी उन्होंने देकर के मिस्टर किम को और भड़का दिया। माइक कौन है ये, वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने, है ना, थोड़ा बहुत काम जो उसने उन्होंने किया था, मतलब कहने का आपके नॉर्थ को अभी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन जी ने किया था, अब उससे ज़्यादा बड़ा काम इन्होंने कर दिया मुअम्मर कद्दाफी जी का स्टेटमेंट दे करके, और साथ में अब ये माइक पेंस एक अच्छे मतलब कहने का कि अथॉरिटी में भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, और इनका ऐसा स्टेटमेंट बहुत बड़ा बात होती है ना। तो अब इन्होंने कहा कि हु वाज किल्ड, मुअम्मर कद्दाफी की तरह इनका हाल होगा जो कि नाटो के इन्वेशन में 2011 में मारा गया था, इफ़, और कब होगा, इफ ही फेल्ड, अगर ये असफल होते हैं टू रीच अ डील विथ, मतलब ऐसे सौदे में को पूरा करने में विद द यूएस, जो अमेरिका से किया गया, मतलब इन्होंने धमकी दी कि अगर अमेरिका के द्वारा जो आपने डीलिंग की है अगर उसमें आप फेल होते हैं तो आपका भी हश्र वही होगा जो मुअम्मर कद्दाफी जी का हुआ था, जो कि नाटो के इन्वेशन में 2011 में मारे गए थे, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट दिया। आगे पढ़ते हैं हम इस लाइन को, दिस ट्रिगर्ड, इसने ट्रिगर मतलब शुरू कर दिया है, प्रारंभ कर दिया है द अनरेवलिंग, मतलब सेपरेशन, अंतर ऑफ द समिट, मतलब समिट का मतलब ऐसी उम्मीद लगे कि अब लगता है मीटिंग होगी नहीं, है ना, विथ द नॉर्थ, जिसमें कि नॉर्थ कोरियन जो है वंस अगेन, एक बार फिर से वार्निंग, चेतावनी दे रहा है द यूएस, अमेरिका को, ऑफ न्यूक्लियर शोडाउन, कि वो न्यूक्लियर की बौछार कर देगा अमेरिका के ऊपर, जैसा वो पहले कह रहा था, बार बार धमकी दे रहा था अमेरिका को कि भून के रख दूंगा, वही काम वो फिर से कर रहा है। जब इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट अमेरिका के लीडर्स की तरफ से आ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उसका भी बात जायज है, तो उसने भी कह दिया है, फिर से चेतावनी दे रहा है कि अमेरिका को उड़ा के रख दूंगा न्यूक्लियर बॉम्ब से, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि वंस अगेन वार्निंग द यूएस ऑफ ए न्यूक्लियर शोडाउन, न्यूक्लियर की बौछार कर देंगे तुम्हारे ऊपर, ऐसा यूएस को कह रहे हैं नॉर्थ कोरियन किम जोंग उन, ठीक है। डिस्पाइट, इसके बावजूद, डिस्पाइट द सेटबैक, पराजय के हार के बावजूद, होप्स फॉर एन इवेंचुअल 1-to-1 मीटिंग, मतलब एक की एक से मीटिंग की जो इवेंचुअल अंतिम रूप से आशाएं हैं, मतलब भले ही ये बात सेटबैक हो गया है, पराजय हो गई, पराजय का मतलब मीटिंग कैंसिल हो गई, इसके बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद, जो आशाएं हैं अंतिम रूप से एक व्यक्ति के एक व्यक्ति से मिलने की, स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी वर्तमान में स्थित हैं, मतलब एग्जिस्ट करती हैं। इन ए लेटर टू मिस्टर किम, मिस्टर किम को दिए गए एक पत्र में, ऐसे लिखते हैं जैसे आपको ट्रांसलेशन लिखना है, तो इन ए लेटर, इनको दिए गए एक पत्र में, इन ए लेटर टू मिस्टर किम, मिस्टर किम को दिए गए एक पत्र में, मिस्टर ट्रंप सेड, मिस्टर ट्रंप जी ने कहा था, द नॉर्थ वाज वेलकम, कि नॉर्थ कोरिया का स्वागत है, टू रिटर्न टू टास्क, कि वो वापस से बातचीत के लिए आए, इफ इट चेंज, अगर इसने बदल दिया है इट्स एटीट्यूड, अपना रवैया टुवार्ड्स द यूएस, अमेरिका के लिए, मतलब कहने का कि मिस्टर ट्रंप का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप, वो सॉरी नॉर्थ कोरियन लीडर का आमंत्रण है कि वो चर्चा के लिए आए, इफ इट चेंज इट्स एटीट्यूड, अगर इन्होंने अपना रवैया बदल दिया हो टुवार्ड्स द यूएस, अमेरिका के लिए। देखिए आप
कुछ कहते हैं कि मतलब आप टेंस का भी जिक्र करिए। मैं आपको बता दूं कि टेंस जो है न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे से फॉलो नहीं होता, तो अगर आप टेंस को यहाँ सीखने की कोशिश करते हैं तो मैं आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टेंस यहाँ मत सीखिए, आप ग्रामर पॉइंट सीखिए, कैसे मतलब हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म क्या होती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप टेंस सीखेंगे तो आप यहाँ पर आप एसएससी में गलत कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मिस्टर ट्रंप ने कहा द नॉर्थ वाज वेलकम, है ना, तो नॉर्थ का स्वागत है, टू रिटर्न टू टास्क इफ इट चेंज इट्स एटीट्यूड टुवार्ड्स द यूएस प्योंगयांग, तो अब ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ पर, है ना। तो आप जानते हो कि यहाँ प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट है, तो यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट लेते हैं ऐसे ग्रामर में, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। कभी कभी आपको यहाँ पास्ट मिल जाएगा, आगे वाला सेंटेंस प्रेजेंट का मिल जाएगा, लेकिन हम एसएससी में क्या करते हैं, स्पॉटिंग एरर का पार्ट बनता है ये क्वेश्चन। अगर यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट में दे दिया तो हम उसको भी पास्ट में करते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में ऐसे सेंटेंस मिल जाते हैं, तो इसलिए आप अवॉइड करिए, बचिए टेंस के बारे में, टेंस समझने से। और रही बात की जैसे आपको टेंस में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको पर्टिकुलर कुछ वीडियोस मतलब स्पॉटिंग एरर की प्रोवाइड करा दूंगा एग्जाम से पहले, जिससे कि क्या है कि उसमें टेंस बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगी। और आपको अभी तो ये सीरीज चल रही है, मतलब हमारी इसकी क्या बोलते हैं, जो आपका सेट का 20 सुपर 25 सीरीज है, ये तो अभी चल ही रही है, लेकिन जब ये फिनिश होगी तो फिर इसकी आपको पर्टिकुलर कुछ वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें आपको जैसे स्पॉटिंग एरर है तो सिर्फ स्पॉटिंग एरर ही रहेगा, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स ही होगा, तो उसमें खूब सारा कलेक्शन मिल जाएगा। जब हम एक साथ क्लोज टेस्ट भी लेके चलते हैं तो वीडियो भी बड़ी हो जाती है और उतनी चीज़ें हम डिस्कस भी नहीं कर पाते, लेकिन पर्टिकुलर जैसे हम स्पॉटिंग एरर की ही वीडियो बनाएंगे तो फिर उसमें ये होगा कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ही टॉपिक पे बता पाएंगे, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, आपको वो चीज़ मिल जाएंगी। और लेकिन जहाँ से हमें सूटेबल लगता है हमें वहाँ से प्रोवाइड कराने दीजिए। न्यूज़पेपर से हम जितनी चीज़ें आपको बता रहे हैं आपको उतनी सीखनी है, एक्स्ट्रा नहीं सीखना, नहीं तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। फिर आप कहेंगे कि सर हम न्यूज़पेपर से फॉलो कर रहे थे और गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ हो ही जाएगा ना, क्योंकि वो चीज़ें न्यूज़पेपर में नहीं है। न्यूज़पेपर से जो आपके काम की चीज़ें आप उतनी लीजिए, और वो जो काम की है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, उससे ज़्यादा आपको नहीं कुछ करना, ठीक है। और उसी डायरेक्शन में काम करना है, आप प्रीपोजिशंस देखते रहिए, आप कैसे वर्ब के फॉर्म्स आ रहे हैं वो देखते रहिए, है ना, कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के लिए आ रही है, सिंगुलर आ रही है, प्लूरल आ रही है, वो सब देखते रहिए आप, है ना, कंस्ट्रक्शन किस तरह का है वो आप देखते रहिए। लेकिन आप टेंस के मामले में न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है, कहीं पर फॉलो होता है कहीं नहीं होता है, इसलिए आप उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। आगे पढ़ते हैं, प्योंगयांग आल्सो इश्यूड, प्योंगयांग ने इशू जारी की है अ कंसिलिएटरी रिस्पॉन्स, मतलब अभी तो हमने देखा कि अमेरिका की रिस्पॉन्स आया था डोनाल्ड ट्रंप जी का, है ना, तो मिस्टर किम को पत्र लिखने पर डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा था कि अमेरिका का स्वागत है बातचीत के लिए, अगर वो अमेरिका के साथ उसका रवैया थोड़ा सा चेंज हो गया हो एटीट्यूड, और प्योंगयांग आल्सो इशूड ए कंसिलिएटरी रिस्पॉन्स, और इसने भी बिल्कुल कंसिलिएटरी मतलब कहने का सहमतिपूर्ण एक जवाब दिया है प्योंगयांग ने, मतलब कहने का किम जोंग उन ने प्योंगयांग से दिया है जवाब, सेइंग ये कहते हुए दैट हिट इट होप्ड, कि इसने आशा की थी कि यूएस प्रेसिडेंट वुड रिकंसीडर, कि यूएस प्रेसिडेंट दोबारा विचार करेंगे हिज डिसीजन, अपने निर्णय पर टू यूनिलेटरली एक पक्षीय रूप से कैंसिल करने का मीटिंग, मतलब कहने का कि मीटिंग को कैंसिल करना किसी एक व्यक्ति के हक में नहीं होता है, तो अगर जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने कह दिया कि हम मीटिंग कैंसिल करते हैं ये गलत है, तो इसलिए मैं उम्मीद करता था कि मतलब जो यूएस प्रेसिडेंट हैं वो इस पर विचार करेंगे कि एक पक्षीय रूप से मीटिंग को कैंसिल ना किया जाए, अगर दोनों देशों की सहमति बनती है तो मीटिंग कैंसिल करना कोई बात नहीं, लेकिन आप एक तरफ से मीटिंग को कैंसिल करो ये गलत होता है थोड़ा सा, है ना, आप थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ समझने की कोशिश करते हैं ऐसा प्रतीत होता है, है ना। प्योंगयांग ने ऐसा कंसिलिएटरी बहुत ही सहमतिपूर्ण निर्णय रिस्पॉन्स दिया है, जवाब दिया है मिस्टर किम के, सॉरी मिस्टर ट्रंप के पत्र का, ठीक है। बोथ मिस्टर ट्रंप एंड मिस्टर किम, दोनों ही कौन, मिस्टर ट्रंप और मिस्टर किम, शुड कीप इन माइंड, उनको दिमाग में रखना चाहिए अपनी बात। अब ये ऑथर कह रहा है दोनों से कि मतलब हम लोगों को बताना चाह रहे हैं ऑथर कि मिस्टर ट्रंप और मिस्टर किम दोनों को ये दिमाग में अपने बात रख लेनी चाहिए, द लार्जर गोल जो सबसे बड़ा लक्ष्य है और डी एस्केलेशन ऑफ टेंशन, टेंशन को एस्केलेशन मतलब होता है बढ़ाना, डी एस्केलेशन मतलब होता है कम करना, टेंशन को कम करने का सबसे बड़ा लक्ष्य दोनों ही व्यक्तियों को अपने दिमाग में रखना चाहिए। इफ नॉट आउटरीच डीन्यूक्लियराइजेशन, अगर ये डीन्यूक्लियराइजेशन की सीमा तक नहीं पहुंचते, अगर ये अपना डीन्यूक्लियराइजेशन मतलब न्यूक्लियराइजेशन को समाप्त नहीं करते हैं, अपने न्यूक्लियर हथियारों को समाप्त नहीं करते, तो कम से कम इन्हें इस बात को अपने दिमाग में जरूर रखना चाहिए कि इनका लक्ष्य क्या है, तनाव को कम करना है, डी एसोलेशन करना मतलब कहने का तनाव को कम करना है, ऑन द पेनिनसुला कहाँ पर, पेनिनसुला उस क्षेत्र में, एंड वर्क और काम करना है टू रीशेड्यूल कि फिर से नियोजित की जा सके, द समिट मतलब मीटिंग मतलब, और वर्क ऐसा काम करना चाहिए कि दोनों की मीटिंग फिर से सुनियोजित करनी चाहिए, है ना। आप देखेंगे यहाँ पे मिस्टर ट्रंप एंड किम शुड कीप इन माइंड, तो यहाँ कीप आया वर्क की फर्स्ट फॉर्म, एंड अब यहीं से आप जोड़ेंगे मिस्टर ट्रंप एंड किम
किम शुड वर्क टू, और उनको काम भी करना चाहिए टू रीशेड्यूल द समिट, ताकि समिट को फिर से दोबारा दूसरे समय पर नियोजित किया जा सके। तो आपको ये सेंटेंस जब आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब अलग अलग डाल करके एंड से इतने बड़े बड़े सेंटेंस बना देते हैं। आपने कीप के साथ एक वर्ब जोड़ी, एक दूसरी वर्ब जोड़ दी शुड के बाद वर्क, और अब आप ऐसे ही एंड करके या कॉमा करके एक और वर्ड जोड़े, तो मतलब सोचिए कि आप एक सेंटेंस को कितना लिख सकते हैं। बस आपको वर्ब नई नई डालती जानी है। इसी तरह नाउन में भी जोड़ जोड़ करके आप सेंटेंस बड़े कर सकते हैं। तो बड़े सेंटेंस लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। तो आपको अगर बहुत बड़ा सेंटेंस है तो आप इस तरह से पढ़िए कि दो मिस्टर ट्रंप और मिस्टर किम, उनको दिमाग में रखना चाहिए कौन सी बात, कि उन्हें तनाव को कम करना है। अगर डीन्यूक्लियराइजेशन नहीं करना तो कम से कम तनाव को कम करना है, ये बात दिमाग में रखनी चाहिए। और कौन सी बात रखनी चाहिए, एंड वर्क, और काम करना चाहिए ताकि मीटिंग को रीशेड्यूल किया जा सके, पुनः समय पर सुनियोजित किया जा सके। ठीक है, द ओनली साउंड वे टू एड्रेस द कोरियन न्यूक्लियर क्राइसिस, जो एकमात्र साउंड वे, बहुत ही अच्छा तरीका है एड्रेस मतलब कहने का, संबोधित करने का कोरियन न्यूक्लियर क्राइसिस, जो कोरियन का न्यूक्लियर संकट है उसको सुलझाने का जो सबसे अच्छा तरीका है, साउंड वे जो सबसे अच्छा तरीका है, बिल्कुल वार्न वे है, चेतावनीपूर्ण तरीका है, साउंड का मतलब एक वार्निंग भी होता है। तो आपका बहुत ही सबसे अच्छा जो तरीका है इस डिप्लोमेसी, वो क्या है, कूटनीति है। कूटनीति मतलब दोनों देशों के बीच का आपसी तालमेल, यही सबसे अच्छा तरीका है जो उनके बीच के क्राइसिस संकट को सुलझा जा सकता है जिससे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नए ग्रामर पॉइंट्स रहेंगे, कुछ नई टेक्नोलॉजीज रहेंगी, कुछ नई चीज़ें रहेंगी आपको सीखने के लिए। ठीक है, और ये सब चीज़ें हम आपको सिखाते रहे, कंटिन्यू बेसिस पर सिखाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।